खबर जालौन के माधोगढ़ से, जहां बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बुंदेलखंड जोनल कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिन्होंने सम्मेलन में बसपा के माधोगढ़ के पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा की पुत्रवधू शीतल कुशवाहा को माधोगढ़ क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। सम्मेलन में पहुंचे जोनल कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार ने कहा कि वह पार्टी को मजबूत कर नए मतदाताओं को जोड़ने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एवं कांग्रेस के बाद देश में बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए युवा साथियों को बताना होगा कि बसपा का उद्देश्य क्या है। की नीतियों को आम जनता के बीच लेकर पिछले कई दिनों से जिले में काम कर रही शीतल कुशवाहा ने कहा कि सभी लोग भेदभाव भुलाकर कर एकजुटता के साथ पार्टी संगठन के लिए काम करें, जिससे बहन मायावती के हाथों को मजबूत बनाया जा सके। बता दें कि इस दौरान प्रदेश में पहला प्रत्याशी भी बसपा ने घोषित कर दिया है। बसपा ने माधोगढ़ विधानसभा से पहला प्रत्याशी शीतल कुशवाहा को बनाया है। वह माधोगढ़ के पूर्व विधायक संतराम कुशवाहा की बहू है। घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। प्रत्याशी घोषित करेंगे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? अगर मेरी पब्लिक मुझे वोट पर विश्वास करके मुझे विधायक बनाती है, तो मेरा पहला मुद्दा होगा कि मैं माधोगढ़ विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगी, व शिक्षा को शिक्षित करके लिए पॉलिटेक्निक प्रोफेशनल कॉलेज और कई को एजुकेशन को स्टार्ट करूंगी, और यहाँ की दुर्गत जो सड़क व्यवस्था है उसको मजबूत करूंगी, और महिलाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करूंगी, जिससे महिलाएं खुद पूरी उनकी मदद करूंगी। युवा जो नलकूप दिए जाते हैं जल लगन से, मैं घर को कोशिश करूँगी जहाँ रियल में व्यवस्था की जरूरत है तो वहाँ तक। खबर जालौन से, जहां माधोगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक युवा प्रत्याशी घोषित कर दिया है।